हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रियलमी मोबाइल को सॉफ्टवेयर अपडेट करें या ना करें, सॉफ्टवेयर अपडेट करने से क्या होता है और सॉफ्टवेयर अपडेट करने से क्या डिलीट होता है, क्या डिलीट नहीं होता है। तो गाइस, सभी बातों को हम यहां पर बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेट दो प्रकार का होता है, एक नॉर्मल अपडेट आता है और एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है। दोनों सेटिंग से ही आता है, तो आप सेटिंग से कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल अपडेट जो होता है वो 200 MB, 300 MB या 500-600 MB तक का ही होता है, और जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है वो 2 GB या 3 GB तक आता है। तो जो नॉर्मल अपडेट आता है आप उसे नॉर्मली कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ आपके फ़ोन में बदलाव नहीं आता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर अपडेट आता है उससे आपके फंक्शन चेंज हो जाते हैं, आपके मोबाइल की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अगर आपका फ़ोन स्लो चलता है, हैंग करता है, बैटरी सही से चार्ज नहीं होती है, तो वो सब ठीक हो जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट करने से। तो गाइस, मैं आपको यही कहूँगा कि जब भी आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाए आप अवश्य अपडेट कर लें। अगर आपके पास डाटा नहीं है तो आप 1-2 दिन में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अवश्य कर लें। सॉफ्टवेयर अपडेट करने से फ़ायदा ही होता है। आपके ऐप अगर वर्क नहीं करते हैं तो वो भी सही हो जाते हैं, जो भी बग होता है, सिक्योरिटी होता है, वो बढ़ जाता है और मोबाइल आपका सही से चलने भी लगता है, हैंग भी नहीं करता है। तो गाइस, ये रहे कुछ फ़ायदे। अगर आपके जो सेटिंग में देखिए, जो सेटिंग रहती है सेटिंग भी चेंज हो जाती है इस तरह अगर दिख रही है, तो अगर अपडेट आएगा तो जो भी फंक्शन नए आए रहेंगे आपको मिल जाएंगे। आपको देखिए, आपका फ़ोन अच्छा भी लगेगा चलाने में, सब कुछ आपको यहाँ पर बदला हुआ मिलेगा। अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड 12 है तो एंड्रॉयड 13 हो जाएगा, एंड्रॉयड 13 है तो एंड्रॉयड 14 हो जाएगा। इस तरीके से सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो वर्जन भी चेंज हो जाता है, आपका फ़ोन बिल्कुल भी ठीक हो जाता है। तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट अवश्य कर लेना चाहिए। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से क्या डिलीट होता है, क्या डिलीट नहीं होता है। तो गाइस, सॉफ्टवेयर अपडेट करने से कुछ भी डिलीट नहीं होता है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, जो कुछ भी है आपके फ़ोन में सब रहेगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। व्हाट्सएप का चैट, वीडियो सब आपको आपके फ़ोन में ही मिल जाएगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ सही तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।